अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, आज है हमारा टॉपिक नंबर 28। फिर हमने आज कर्ली स्टडी करना है। कर्ल्स जिधर आए आपने क्रॉस प्रोडक्ट में द डेल ऑपरेटर याद रखना है, एनी वेक्टर्स हमारे साथ आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर हमने कहा वी ये हो तो हमने प्रूव करना है डब्ल्यू इज इक्वल टू आर कर्ल वी। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारे पास कर्ल वी, जब हमने कर्ल वी लिखा तो हमारे पास कर्ल वी का मतलब यही है आर डेल विद वी जो कि हमने प्रीवियसली स्टडी किया है। फिर वी की वैल्यू हमारे पास ये है डब्ल्यू क्रॉस आर, ये वी की डब्ल्यू क्रॉस आर। सबसे पहले हम इतना सोल्व करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। हमारे पास ये गिवन है, डेल ऑपरेटर हमने एज इट इज़ लिखा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट डब्ल्यू क्रॉस आर, इट इज़ अ डब्ल्यू क्रॉस आर। डब्ल्यू का हम, ये डब्ल्यू नहीं है, इधर ओमेगा लिखा है, ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा जी, ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। डब्ल्यू भी हमें बताया गया है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आर इट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आई जे के हमने इसके कोफिशिएंट लिख लिए, फिर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री एक्स वन एक्स वन, ये हमारे पास मैं इधर लिख देता हूँ, डब्ल्यू वन आई यूनिट वेक्टर प्लस डब्ल्यू टू जे यूनिट वेक्टर प्लस डब्ल्यू थ्री के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास डब्ल्यू है, आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारे पास है आर वेक्टर। इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ये टर्म्स आ गई। फिर हमने आर वन को एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल था, डेल था। अब हमारे पास फर्स्ट वेक्टर ये है और सेकंड वेक्टर ये है। अब फिर रिमेन अगेन क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के हमने लिख लिए कॉन्स्टेंट इनके डायरेक्शनल। फिर इसका जो हमारे पास टर्म्स है कोफिशिएंट थे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। फिर इसके कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट आई के नीचे, वाई के नीचे एंड के नीचे लिख लिए। फिर हमने क्या किया, फिर इधर अगेन आर वन को एक्सपेंड कर लिया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, आई को हमने एक्सपेंड करना है तो हमने ये वाली टर्म्स कैंसिल कर देनी, ये वाली टर्म्स का हमने 2/2 डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। वाई को हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, एक्चुअली डेरिवेटिव का साइन होता है ये वाला डी एफ एक्स। अगर ये वाला हमारे पार्शियल वाला साइन हो तो हमें पार्शियल लेने लेना होता है एक ही टर्म्स का, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस टर्म्स का हमने वाई का लेना, ये वाली टर्म्स हमारे पास जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म्स का मेगा के लिए आ जाएगा, वाई का वन आ जाएगा, ये मेगा वन एंड मेगा टू हमने कांस्टेंट लिया, मेगा टू इधर से आ गया हमारे पास, मेगा वन ये जेड का वन आ गया, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट में आप देखें मेगा, ये वाला रिजल्ट, इसको हम क्या कहेंगे, मेगा वन मेगा टू एंड मेगा थ्री, इसको हम स्टार्ट में लिया था हमने मेगा, ये वाला रिजल्ट था हमारे पास मेगा रिजल्ट आ गया, इसको हमने 2 मेगा ले लिया कॉमन करके। ये हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे था क्रॉस प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर मेगा क्रॉस आर, मेगा इस टर्म्स को हमने वी बोला था, वी लिख लिया, फिर ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, इसको हम कर्ल वी लिख सकते हैं। इस प्रॉब्लम से हमें पता चला कर्ल इज़ अ रोटेशनल प्रॉपर्टी, घूम फिर के वही रिजल्ट आ गया, हमारा रोटेशनल प्रॉपर्टी है, देयर वुड बी अ नो रोटेशन, अगर हमारे पास रोटेशन नो हो, कोई भी रोटेशनल प्रॉपर्टी ना हो तो कर्ल इज़ अ इरेशनल, इरेशनल का मतलब है कि रिजल्ट हमारे पास जीरो आ गया। इफ़ अ फील्ड विच इज़ नॉट इरेशनल, अगर हमारे पास टर्म जीरो के इक्वल ना हो तो हम ऐसी टर्म्स को क्या कहेंगे, वर्टेक्स फील्ड। इट इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट द एम सी क्यू के लिहाज से होगा। तो तमाम स्टूडेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।